हेलो एवरीवन, आरचल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे एनपस क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पिछले वीडियो हमने सीखा था एनपस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और इस वीडियो में सीखेंगे एनपस क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लैब चेक कर लेते हैं। हमने जो सर्वर को जो आई पी एड्रेस साइन किया था वो था 172.18.209.9, और क्लाइंट का आई पी एड्रेस है 172.18.209.10। तो ये हमारा क्लाइंट का आई पी एड्रेस है। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं क्लाइंट पर। सबसे पहले जब भी आपको एनपस क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना हो तो सबसे पहले उसका एनआईसी चेक कर लीजिए कि उसका जो लैन कार्ड है या इंटरनेट इंटरफेस वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है कॉन्फ़िग ETH 0। तो चलिए हमारा जो क्लाइंट का जो इंटरफेस है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर है हमारे लैब के अकॉर्डिंग। तो ये चेक करने के बाद में फिर चेक कीजिए कि एनपस सर्वर आपका जो एनपस क्लाइंट है वो सर्वर से कनेक्ट है या नहीं। तो एनपस सर्वर और एनपस क्लाइंट के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं ये वो आपको चेक करनी है। तो चेक करने के लिए कमांड है पिंग, फिर आपको एनपस सर्वर का आईपी एड्रेस लिखना है, फिर एंटर। तो चलिए कनेक्टिविटी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एनपस के पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो पहले चेक कर लीजिए कि एनपस के पैकेज इसमें इंस्टॉल है या नहीं। तो rpm -qa nfs -utils start। तो अभी कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं nfs yum install nfs -utils nfs -utils -lib। ये दोनों पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं। चलिए पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, वापस चेक कर लीजिए कमांड से। तो देखिए अब की बार इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एनपस सर्वर पे क्या माउंट है, क्या क्या माउंट है ये आपको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए कमांड है सो माउंट -e, फिर एनपस सर्वर का आपको आईपी एड्रेस लिखना है। तो देखिए बता रहा है कि एनपस सर्वर पे क्या क्या माउंट है, सॉरी क्या क्या शेयर है। तो उस पर एनपस सर्वर पे एक शेयर है जिसका नेम है /nfs-share, और उसमें जो प्रिविलेज मिला है किस क्लाइंट को मिला है, जिसका आईपी एड्रेस 10 है। तो चलिए इसको हम हमारे पीसी में माउंट करते हैं इसको। तो माउंट करने के लिए आपके पास कमांड है, आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना है माउंट -t फिर एनपस सर्वर का आईपी एड्रेस फिर कॉलन /nfs-share, और कहाँ पे आपको माउंट करना है वो आपको लिखना है डेस्टिनेशन। तो अभी हम टेम्परेरी MNT में माउंट करवा रहे हैं। फिर माउंटिंग पॉइंट की एंट्री हुई या नहीं ये आपको चेक करना हो तो उसके लिए कमांड है माउंट फिर पाइप फिर ग्रेप NFS। तो आपको बताएगा कि ये एंट्री क्रिएट हो चुकी है। और इसके अलावा एक और कमांड है df-h, तो ये भी आपको बता देगा कि माउंट पॉइंट की एंट्री क्रिएट हुई या नहीं। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं माउंट पॉइंट की एंट्री, या तो माउंट ग्रेप एनपस पाइप ग्रेप एनपस और या फिर df-h, ये कमांड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में cd/mnt, यहाँ पर कोई पहले चेक कर लीजिए इसमें क्या क्या कंटेंट है। अभी कोई कंटेंट नहीं है इसमें। चलिए हम यहाँ से एक फाइल क्रिएट करते हैं टच माई फाइल, और अब एनपस सर्वर पर जाके चेक कीजिए कि ये फाइल वहाँ पर क्रिएट हुई या नहीं। अगर आपका एनपस सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो एनपस सर्वर पे जो भी आपने शेयर किया है उसमें ये फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। तो cd/nfs आता है। तो देखिए यहाँ पे वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसी तरह कोई डायरेक्टली क्रिएट करके देखिए एनपस क्लाइंट से। चलिए एनपस सर्वर पे वापिस कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर माई डायरेक्टरी बता रहा है कि यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट आप ls-l कमांड लगाइए, तो आपको डिटेल बता देगा कि इस डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट है। उसके बाद में अभी जो हमने एंट्री की है वो टेम्परेरी एंट्री, कौन सी एंट्री टेम्परेरी, यानी जैसे आप मशीन को रिबूट करोगे ये एंट्री रिमूव हो जाएगी। तो चलिए एक बार रिबूट करके देखते हैं कि रिबूट होने के बाद में एंट्री रहती या नहीं। तो रिबूट करके देख लेते हैं। जब तक मशीन रिबूट हो रहा है तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं।
चलिए हमारी मशीन रिबूट हो चुकी है। अब चेक कीजिए वो एंट्री है या नहीं। तो df हाइफन एच, देखिए वो एंट्री नहीं है, यानी ये जो एंट्री पिछली जो हमने एंट्री की थी वो टेम्परेरी एंट्री थी, यानी जैसे आप मशीन को रिबूट करोगे वो एंट्री रिमूव हो जाएगी। यानी अब आपको ये करना है कि परमानेंट एंट्री करनी, यानी अगर मशीन रिबूट हो फिर भी वो एंट्री रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल होती है /etc/etc/appstep। जब भी आपको कोई माउंट पॉइंट की परमानेंट एंट्री करनी हो तो आपको क्या करना है, /etc/appstep फाइल यूज करनी है, ठीक है, और उसमें एंट्री करनी है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। /vm/etc/appstep, तो यहाँ पर आपको क्या क्या एंट्री करनी हो देख लीजिए, ये एंट्री आपको यहाँ पर करनी है, तो हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं एनएफएस सर्वर के लिए, एनएफएस का जो भी शेयर है उसको हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उसमें हम माउंट करवाएंगे, यानी माई एनएफएस, ठीक है। अब जो भी हम एनएफएस शेयर यहाँ पे माउंट कराएंगे वो हम कहाँ पे एक्सेस करेंगे, माई एनएफएस के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है एनएफएस सर्वर का आईपी एड्रेस, फिर कॉलन और एनएफएस शेयर का नाम, फिर टैब प्रेस करके आपको कहाँ पे आपको माउंट करना है इस मशीन में, यानी क्लाइंट पर आपको कहाँ पे माउंट करना, उस डायरेक्टरी का आपको नेम लिखना है। जैसे हमने पिछली बार यूज किया था MNT, तो अभी हमने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट की है और उसमें हम माउंट करवाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे माई एनएफएस, फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है एनएफएस फिर डिफॉल्ट्स 00, तो एनएफएस फिर डिफॉल्ट्स 0/0, फिर इस फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में अब चेक कीजिए उस फाइल की एंट्री को अपडेट करने के लिए, यानी माउंट पॉइंट की जो एंट्री होती है उसे अपडेट करने के लिए कमांड होता है माउंट हाइफन ए। अब चेक कीजिए df हाइफन h, तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आप उसको एक्सेस कीजिए /my_nfs-l, तो देखिए NFS सर्वर जो भी शेयर था हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब मशीन को रिबूट करके देखिए कि रिबूट होने के बाद में अब एंट्री रहती या नहीं, तो रिबूट करते हैं। जब तक ये मशीन रिबूट हो रहा है तब तक हम इस मशीन को इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए हमारा मशीन रिबूट हो चुका है, लॉगिन कीजिए। चेक कर लीजिए एंट्री है या नहीं, तो df हाइफन है, देखिए रिबूट करने के बाद में वो एंट्री है, यानी आपको बार बार ये कमांड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो /my_nfs-l, तो देखिए वो एंट्री अभी भी है। इस तरह आप टेम्परेरी माउंट कैसे करते हैं, परमानेंट माउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, ये इस वीडियो हमने सीखा। NFS क्लाइंट को कैसे कॉन्फिगर करते हैं, कैसे NFS शेयर को NFS क्लाइंट पर एक्सेस करते हैं, ये सब इस वीडियो हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।